एंड वेलकम टू माय चैनल शान टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए, ये हमारा टोरेटो का है ब्लूटूथ स्पीकर है, ये हमने खोल रखा है। इसका बॉडी भी हमें चेंज करना है, कस्टमर के पास पुराना बॉडी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोरेटो का है स्पीकर है, ठीक है टोरेटो। और ये अच्छा खासा ठीक ब्रांड है इसका, जो है आप प्राइस सर्च करेंगे तो करीबन 1500-1600 रुपये के आसपास ये दिखाई देगा। तो इसमें जो दिक्कत है वो है कि हमारा चार्जिंग जैक का जो है इन्होंने कस्टमर ने चार्जिंग जैक इसका चेंज करा रखा है, और इसका हमें क्या करना है, इसको इस बॉडी में फिट करना है और इसका चार्जिंग प्रॉब्लम चेक करना है कि चार्जिंग प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। तो हमें ये चार्जिंग प्रॉब्लम भी चेक करना है और इसके कुछ रेजिस्टेंस वगैरह टूटे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आर वाले, तो इनको भी हम सक्सेसफुली लगाएंगे। और ये इसकी एक ख़राब प्लेट है, सेम है, मैं दिखाता हूँ आपको, सेम प्लेट में से हम निकाल के लगा देंगे। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर एक C12 गायब है और हमारा पर एक 223, ठीक है। तो ये दो गायब हैं, तो इसी के वजह से शायद ये ब्लूटूथ जो है ऑन नहीं हो रहा है, और इसका चार्जिंग चेक चेंज करते टाइम हो सकता है कि ये उनसे भाई से निकल गए हों जिसने भी ये लगाया है। तो सबसे पहले हम इसमें ये इसके जो रेजिस्टेंस निकले हुए हैं उनको हम लगाएंगे, उसके बाद जो है इसमें कुछ और काम करेंगे। पहले जो निकले हुए हैं उनको हम बढ़िया से लगा देंगे, उसके बाद जो है हम ये बैटरी कनेक्टिंग जो है इसके निकालेंगे, बैटरी कनेक्शन जो है, ठीक है। तो हमने अभी इसके बैटरी कनेक्शन को निकाल दिया है, तो इसकी जो ख़राब प्लेट है उसमें से हम जो है इसको लगाएंगे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये जो है एक C12 है और एक C12 है, तो इसको क्या करेंगे हम, आयरन से भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो जो है असेंबली से लगाऊंगा इसके जो कंपोनेंट वगैरह हैं, क्योंकि ये चार्जिंग पे कभी कभी जो है चालू हो रहा है और कभी चालू नहीं हो रहा है, तो इसकी ये प्रॉब्लम है। जैक बिल्कुल ओके लगा हुआ है, इसने भी जैक लगाया, जैक तो ठीक है, जैक में नॉट प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस हैं ये यहाँ के ये उखड़ गए हैं। तो इनको हम लगाएंगे, किस तरीके से लगाएंगे, पहले हल्का से इसको रिसोल्ड कर देंगे ताकि जो हम जो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस इसमें लगाएंगे वो बैठ जाए। ठीक है, तो अभी हम आयरन से इसको असेंबली से निकाल लेंगे इसमें से, और असेंबली से निकालने के बाद हम इसको फिर लगा देंगे। चुमकी हम दूसरा लेते हैं, ये हमारा खराब चुमकी था, देखिए हमने इसको लगा दिया है। और अभी हमने ये जो है दोनों लगा दिए हैं, तो आपको हीट का ध्यान रखना है, उसके बाद ही लगाना है, ठीक है। अभी हमने इन दोनों को सक्सेसफुली जो है इसके अंदर लगा दिया है, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा साफ़ सफाई करनी है इसकी, थिनर से आपको पेस्ट कर लेना है और देखेंगे कि चार्जिंग जैक हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। तो चलिए अभी देखेंगे, पहले इसमें हम बैटरी कनेक्ट करते हैं और स्पीकर कनेक्ट करते हैं, पहले इनको अलग अलग कर लेते हैं, थोड़े कुड़ी मुड़ी टाइप के हो रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है। अब इनको हम इसमें लगा देंगे, देखिए एक हमने इसमें लगा दिया है और अब हम इसमें दूसरा लगाएंगे। कस्टमर वहाँ पर दिखा के लाया था, तो वहाँ पर हो सकता है चार्जिंग जैक निकालते टाइम ये लगाते टाइम ये उखड़ गए हों, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब हम सिंपल सा बैटरी को कनेक्ट करेंगे। बैटरी का जो प्लस और माइनस है उसको हम लगा देंगे। यहाँ पर जो है बैटरी, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि बैटरी का प्लस पॉइंट कौन सा है और माइनस, तो प्लस ये रहा हमारा और माइनस ये है। लेकिन इसको हम ग्राउंड ना देंगे, तो ग्राउंड हम देंगे यहाँ से जो साइड के बैटरी कनेक्टर के पास ये वाला है, इसे ग्राउंड है ब्लैक प्रूफ, और रेड प्रूफ जो है हमारा प्लस है। तो चलिए यहाँ पर जो है अभी हमें बैटरी को कनेक्ट कर देना है, और बैटरी को कनेक्ट करने के बाद हम चेक करेंगे कि जो है परफेक्टली ये जो है वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है वो मैं आपको चेक करवा दूँगा वीडियो के लास्ट में जो है, क्योंकि इसको पैक करने की वीडियो नहीं बनाएंगे, बहुत लंबी बनेगी। ये जो पैकिंग है इनकी बढ़िया तरीके से करनी पड़ेगी, तभी जो है वर्क करेगा। तो यहाँ पर चार्जिंग का इंडिकेट आप देख लीजिए, यहाँ पर चार्जिंग इंडिकेट साइन एकदम प्रॉपरली आ रहा है। अब यहाँ पर ऑन करके देखो तो यहाँ पर ऑन भी हो रहा है, लेकिन अभी जो है स्पीकर का आवाज़ नहीं आएगा। स्पीकर का आवाज़ मैं आपको लास्ट में सुना दूँगा, बढ़िया करके आप सुन लेना, स्पीकर का प्रॉपर आवाज़ जो है आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि वीडियो को प्रॉपर आवाज़ हम आपको लास्ट में सुनवा देंगे, क्योंकि एकदम बढ़िया आवाज़ आएगा इसमें। तो इसके लिए चलिए पैक करते हैं, और पैक करने का वीडियो काट देते हैं, और पैक होने के बाद जो है आपको प्रॉपरली हम जो है वीडियो शो करवाएंगे कि यहाँ पर ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसकी जो बॉडी है वो दूसरी लगानी है हमें, आपको पता है कौन सी बॉडी लगानी है, मैंने आपको दिखा दी है। तो बॉडी वो लगानी है, क्योंकि ये बॉडी पुरानी है लेकिन बेस्ट है, टूटी हुई नहीं है कहीं से भी, तो इसमें प्रॉपरली फिटिंग आ जाएगी हमारी। तो चलिए अभी इसको पैक करते हैं और वीडियो को रोकते हैं, और जब पैक होने के बाद जो आपको वीडियो दिखाते हैं। यहाँ पर फाइनली ये जो पैक हो चुका है इस वाली बॉडी में, और यहाँ पर ये बॉडी है थोड़ी टूटी फूटी थी और इसके बटन भी नहीं थे। चलिए तो अभी इसको चेक करते हैं क्या प्रॉपरली वर्क अभी कर रहा है पैक होने के बाद। ब्लूटूथ मोड, तो देख सकते हैं यहाँ पर परफेक्टली जो है ये बोल रहा है, देखो कनेक्टेड भी है, लेकिन ये मेरे ही फ़ोन में कनेक्टेड है, जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो बजा के नहीं दिखा सकता, लेकिन परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई आपके पास ब्लूटूथ आता है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम के लिए आप पहले बोर्ड चेक किया करें कि कहीं नॉर्मली प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं से, ठीक है। क्योंकि चार्जिंग जैक उसने नया डलाया था, तो चार्ज होना चाहिए, लेकिन चार्ज नहीं हो पा रहा था, तो उसकी वजह से देखना था कि क्या कोई रेजिस्टेंस कैपेसिटर या कुछ टूटा तो नहीं था। तो इसकी थैंक गॉड किसके पास दूसरी प्लेट थी ख़राब, जिसकी वजह से ये ठीक हो पाया। अगर दूसरी प्लेट नहीं होती तो ये शायद नहीं हो पाता, या फिर हम कुछ और जुगाड़ करते। तो ये आपने आई होप के देखा हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैंने पैक करने का वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता, तो शॉर्ट इतनी वीडियो कोई देखता नहीं है।